हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सीखेंगे डार्क क्लाउड कवर के बारे में एंड पियर्सिंग पैटर्न के बारे में। ओके, ये दोनों ही पैटर्न है एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, यानी दो या दो से ज़्यादा कैंडलस्टिक को हमें देखना पड़ता है तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डार्क क्लाउड कवर है या फिर पियर्सिंग पैटर्न है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डार्क क्लाउड कवर से। तो इस पर्टिकुलर डार्क क्लाउड कवर में क्या होगा, एक अपवर्ड रैली आएगी, यानी बुल्स जो है वो कंट्रोल कर रहे होंगे मार्केट को, यानी एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है वो बुल्स के पास होगा एंड एक अच्छी खासी अपवर्ड रैली आप देख सकते हैं बिकॉज बायर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्टिव है एंड प्रेशर बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए प्राइजेस जो है वो अपलिफ्ट कराते जा रहे हैं, राइट। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, एक बेरिश कैंडल बनेगी जिसका ओपन जो है प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर होगा। ओके, या फिर यहाँ पर भी हो सकता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस में फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, तो इसीलिए एग्जैक्ट तो आप ऊपर बता नहीं सकते कि कितना ऊपर होगा या फिर कितना ऐसे बता नहीं सकते, बट इसके बराबर होगा या फिर इससे ऊपर आप कह सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो बेरिश कैंडल है ये कवर कर रही है बेसिकली इसको 50% से लेके 100% तक, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर ये बेरिश कैंडल जो है अगर यहाँ तक ही होती तो हम इसको डार्क क्लाउड कवर नहीं कहते, या फिर यहाँ तक होती तब भी हम डार्क क्लाउड कवर नहीं कहते, बट ये यहाँ तक है यानी 50% से ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं ये 50% से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे डार्क क्लाउड कवर। ओके, और अगर ये पूरी ही यहाँ तक कवर कर देती देन हम इसको कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग, राइट। तो इसीलिए वर्ड्स जो है या फिर जो नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का उसमें आपको उलझना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक अपवर्ड रैली आई है एंड इसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनी है जिससे क्या पता चलता है कि बेयर्स ने एंट्री ले ली है मार्केट में। ओके, तो इसीलिए क्या किया है, प्राइसेस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब डाउन जाएगी। एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न को डार्क क्लाउड कवर क्यों बोला, बिकॉज ये बुलिश कैंडल को कवर कर लिया है, जैसे डार्क क्लाउड जो है वो कवर कर लेते हैं, राइट। तो इसीलिए बुलिश कैंडल जो है इसको कवर कर लिया इस पर्टिकुलर बेयरिश कैंडल ने 50 to 100%। ओके, पूरा नहीं कवर किया है, अगर पूरा कवर होता तो डार्क क्लाउड कवर नहीं कहेंगे उसको, फिर बेयरिश एनगल्फिंग हम कहेंगे, राइट, जैसे जो हमने लास्ट या फिर कुछ पहले एपिसोड्स में कवर किए थे। ओके, तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डाउनवर्ड रैली आएगी, यानी अब बेयर्स जो है मार्केट को कंट्रोल करेंगे या फिर स्टॉक प्राइजेस को कंट्रोल करेंगे एंड आने वाले ट्रेडिंग सेशंस आप बेयरिश देख सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड रहेगा इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के बाद। अब बात करते हैं कि एंट्री आपको कहाँ लेनी है एंड स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, राइट। तो एंट्री आप लेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल के जस्ट जो इसका क्लोज होगा उसके आसपास, जब प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होगी तब आप एंट्री ले सकते हैं। एंड एक और बात, ये जो पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, ये भले ही बेयरिश एनगल्फिंग से मिलता जुलता है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल कौन है, बेयरिश एनगल्फिंग। ओके, बिकॉज वो पूरा कवर कर देती है प्रीवियस बुलिश कैंडल को एंड इसका जो ओपन है इससे भी नीचे क्लोज देती है अपना, राइट। तो इसीलिए अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करें कि पावरफुल कौन है, तो पहला पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है, बेयरिश वाला, बेयरिश एनगल्फिंग, एंड उसके बाद आएगा ये पर्टिकुलर पैटर्न। ओके, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि बेयरिश एनगल्फिंग क्या होता है एंड डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, दोनों का सिंपल कॉन्सेप्ट एक ही है। ये दोनों क्या बताते हैं कि आने वाला ट्रेंड जो है वो बेयरिश होने वाला है बिकॉज अच्छा खासा अपवर्ड रैली आ चुकी है एंड इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद बेयर्स ने एंटर कर दिया है एंड आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन आप डाउनवर्ड फॉल देख सकते हैं। ओके, तो एंट्री आप करेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल के जो क्लोज हो रहा है उसके आसपास, कहीं फ्लक्चुएट कर रही होगी प्राइस तब उसी दिन कर सकते हैं, बट अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए, अगर आप रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं देन आप नेक्स्ट डे अगर बेयरिश कैंडल बनती है तो एंटर करना है उसके क्लोजिंग के आसपास, अगर बेयरिश कैंडल नहीं बन रही है देन आपको एंट्री नहीं लेनी है, राइट। तो दो तरह के ही ट्रेडर होते हैं, रिस्क एवर्स एंड रिस्क टेकर। तो रिस्क टेकर जो है वो यहाँ एंट्री लेगा एंड रिस्क एवर्स यहाँ एंट्री लेगा। ओके, एंड स्टॉप लॉस जो है वो आप प्लेस करेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल, इन दोनों कैंडल का जो हाईएस्ट बनाया है, इन दोनों कैंडल्स के में से किसी ने भी जिसने हाईएस्ट बनाया है, अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट बना है एंड इससे थोड़ा सा गैप छोड़ के आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और अगर एज्यूम कीजिए कि इस पर्टिकुलर कैंडल ने अपना हाई बनाया होता तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा प्लेस कर सकते थे। ओके, तो स्टॉप लॉस इस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब एक एग्जांपल लेते हैं बजाज फाइनेंस का। तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह का ही एक पैटर्न बन तो रहा है बट एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। अब वो एग्जैक्ट क्यों नहीं बन रहा है ये आप बता सकते हैं खुद देख के, बिकॉज इस पर्टिकुलर पैटर्न के अगर आप पीछे देखें तो इतनी अच्छी खासी अपवर्ड रैली नहीं है, मतलब इसके जस्ट पीछे नहीं है, यानी काफ़ी पीछे थी एंड उसके बाद प्राइस जो है कुछ दिनों तक यहीं फ्लक्चुएट की। ओके एंड इसके बाद कहीं जाके ये पैटर्न बना है। तो इसमें अगर आपको ट्रेड अवॉइड करना है तो आप कर सकते हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर पैटर्न को देख के आप ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे एक अपवर्ड रैली थी। ओके बिकॉज यहाँ पे प्राइस इतना ज़्यादा अपवर्ड मूव नहीं कर रहा है, अगर आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3-4 रुपये के आसपास ऊपर गया है, राइट। तो इसको हम एक अच्छा खासा अपवर्ड रैली तो नहीं कह सकते, बट फिर भी हम अगर ट्रेड लेना चाहें तो किस तरह लेंगे, बिकॉज ये कैंडलस्टिक तो वैसे ही है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्या कर सकते हैं स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, एंड जो आपका एंट्री पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग के आसपास कहीं। ओके एंड अगर रिस्क एवर्स ट्रेडर है देन इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास, राइट। यानी आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं एंट्री ले सकते हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा कि इस तरह के पैटर्न को आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको वो चीज़ नहीं पता चल रही है कि पीछे इसके अपवर्ड रैली है या नहीं, राइट। यानी अपवर्ड रैली थी बट काफ़ी पहले थी, इसके बाद प्राइस जो है वो यहीं कहीं ऐसे इसी रेंज में जा रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, राइट। तो फिर भी आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा डाउनफॉल इसके बाद देख लिया है, बिकॉज कैंडलस्टिक बताती तो वही चीज़ है, राइट। अब इसके साथ आप अगर अदर इंडिकेटर्स यूज़ करें, और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे, उसके साथ अगर आप इस पैटर्न को यूज़ करें एंड वो इंडिकेटर भी आपको सेल सिग्नल दे रहा है एंड ये भी आपको सेल सिग्नल दे रहा है, देन ऑब्वियसली आप अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करके ट्रेड तो कर सकते हैं, बिकॉज इसके पहले जो है एक अपवर्ड रैली थी बट उसके बाद यहीं कहीं प्राइस फ्लक्चुएट हुई, राइट। तो आप दोनों ही चीज़ चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे आप एक बन रहा है क्या डार्क क्लाउड कवर, एंड इसमें तो और ज़्यादा अच्छी खासी बड़ी रैली है जो कि है बुलिश रैली, राइट। यानी अपवर्ड रैली, यानी बुल्स जो है वो कंट्रोल में थे एंड अचानक से बेयर्स ने एंट्री कर दी, बट यहाँ पर रिस्क टेकर ने यहाँ एंट्री ले ली, रिस्क एवर्स ट्रेडर ने यहाँ एंट्री ले ली, एंड प्राइजेस आप अगर देखेंगे कि ऊपर चली गई, यानी दोनों को ही स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया एंड दोनों को ही जो है वो लॉस हो गया, राइट। तो लॉस की सिचुएशन भी कभी कभी बन सकती है इसमें, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपको धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस होगा तो आप चेक कर सकते हैं आपकी जो बेरिश एंगल्सिंग के बेस पे जो आप ट्रेड्स लेंगे एंड जो डार्क क्लाउड कवर के बेस पे ट्रेड्स लेंगे, ज़्यादा एक्यूरेसी आपको बेरिश एंगल्सिंग के केस में मिलेगी, बिकॉज वो इस पर्टिकुलर पैटर्न से ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज वो प्रीवियस बुलिश कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। ओके एंड इस केस में सिर्फ 50-100% वो कवर कर सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। यानी ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बना है ये आप देखेंगे यहाँ पे इसने क्लोज दिया है, अगर ये नीचे क्लोज दे देगा, थोड़ा सा और नीचे जाके क्लोज देगा, देन उस केस में क्या होगा, ये और ज़्यादा पावरफुल होगा। ओके यानी बेयर्स जो है उनकी पावर बताता है ये कि और ज़्यादा सेलर सेलिंग प्रेशर आ सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। ओके बट ये जो है कवर करेगा कितना, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डार्क क्लाउड कवर। ओके एंड उस पर्टिकुलर पैटर्न को कहा जाएगा बेरिश एंगल्फिंग। ओके तो दोनों में फ़र्क समझ में आना चाहिए, बाकी कंसेप्ट दोनों का एक ही है, दोनों ही बेरिश ट्रेंड रिवर्सल बताते हैं। ओके तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों को ही लॉस हो गया है, रिस्क टेकर को भी, रिस्क एवर्स ट्रेडर को भी। ओके नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ONGC का है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आई थिंक कुछ बन नहीं रहा है डार्क क्लाउड कवर, बिकॉज यहाँ बन तो रहा है बट इसमें मैंने क्या कहा था आपको कि बुलिश कैंडल का 50% अगर चेक करेंगे आप तो 50% कवर होना चाहिए, उससे कम अगर कवर हो रहा है देन हम उसको डार्क क्लाउड कवर नहीं कह सकते। ओके तो उस केस में ट्रेड नहीं ले सकते, बट फिर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो हुआ है। अब वो क्यों हुआ है, वो उसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ न्यूज़ आ सकती है कुछ कंपनी के खिलाफ या अगेंस्ट कुछ हो सकता है, उसके कारण प्राइसेस डाउन चले गए, या फिर कुछ भी हो सकता है, जिस कुछ भी आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने बुलिश कैंडल देखी है एक अच्छी खासी एंड उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी है, हो सकता है कुछ अदर इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप ट्रेड ले भी लें एंड प्रॉफिट कमा लें, बट इन केस ऑफ डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर में कभी भी ये पैटर्न नहीं आएगा, बिकॉज ये जो है इसमें
प्रीवियस बुलिश कैंडल जो है वो 50% टू 100% कवर नहीं हो रही है। ओके तो बुकिश लैंग्वेज में जाएं तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से अगर आपका 50% से थोड़ा भी आसपास है, अगर सपोज कीजिए 45% कवर हो रहा है, देन यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल ओके इन रियल लाइफ, बिकॉज रियल लाइफ में जो बुकिश बातें हैं उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके यूज़ करेंगे देन उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके जैसा आपको यहाँ दिखा है ओके तो जिस जिसने एंट्री ले ली होगी वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा गए होंगे, एंड जो बुकिश बातों में बैठे होंगे कि 50 to 100% कवर होना चाहिए तभी हम एंट्री लेंगे, देन उनको लॉस हो गया होगा। एंड स्टॉप लॉस अगर देखें तो आपका वही कंसेप्ट होना चाहिए स्टॉप लॉस का, यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों में से हाई किसने ज़्यादा बनाया इसने, तो इसके थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं एंड एंटर भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ओके नेक्स्ट अब बात करते हैं पियर्सिंग पैटर्न की, जो जस्ट रिवर्स है किसका, डार्क क्लाउड कवर का। ओके इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, पहले वाले केस में डार्क क्लाउड कवर के केस में बुल्स जो है वो एंटर किए हुए थे, यानी जो कंट्रोल में कौन था पहले, बुल्स, एंड इस केस में क्या होगा, बेयर्स कंट्रोल में एंड न्यू लो पे लो बनता जा रहा है राइट। एंड उसके बाद आपको एक ऐसी बुलिश कैंडल दिखेगी जो ओपन देगी कहाँ पे, जस्ट इसका जो क्लोज है इसके नीचे कहीं ओपन दिया है राइट, एंड इसने भी कवर किया है कितना 50% से लेके 100% तक का। ओके अब यहाँ पे 100% से कम भी हो सकता है, बिकॉज 100% तक हो जाएगा तो फिर उसको एंगल्फिंग भी हम कह सकते हैं राइट, बुलिश एंगल्फिंग। तो इसीलिए इसमें इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल को कह सकते हैं इसका 50% से लेके 100% तक। ओके 100% नहीं कवर होगा, 99 होगा, बट ऑब्वियसली ये बुकिश बातें हैं, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ओके आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए बस बेसिक सा, बाकी आपको ट्रेड जो है वो सेम ही बता रहे हैं दोनों ही कैंडल। ओके दोनों ही कैंडल में स्टॉप लॉस भी सेम ही है राइट, यानी जो एनगल्फिंग मैंने बताया था बुलिश एनगल्फिंग, और इस पर्टिकुलर पैटर्न में भी सेम ही स्टॉप लॉस होगा, सेम ही एंट्री होगी। ओके सारा कंसेप्ट सेम है, बस उसमें वो पूरा कवर कर देता था एंड ज़्यादा पावर बताता था, एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न में उससे कम पावर बताएगा एंड ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस जो है वो थोड़े से कम रहेंगे, बस बाकी सारी चीज़ें सेम है, एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ सेम है। ओके तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्रीवियस बेरिश कैंडल है इसके नीचे कहीं ओपन दिया है इसने, एंड ये बुल्स जो है वो ऊपर लेके गए हैं एंड मोर देन 50% कवर कर रहा है प्रीवियस कैंडल को। ओके तो हम कह सकते हैं इसको पियर्सिंग पैटर्न, तो ये कुछ इस तरह का ही दिखता है अगर एग्जैक्ट की बात की जाए तो। एंड इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी बुलिश रैली आने वाली है, यानी ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ओके एंट्री आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज के आसपास ही कहीं प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होगी तो वहाँ एंट्री कर सकते हैं, इफ़ यू आर अ रिस्क टेकर, रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं, नेक्स्ट डे का वेट करिए एंड कंफर्मेशन आने के बाद ही क्या कीजिए, एंट्री कीजिए। ओके यानी यहाँ कहीं प्राइस फ्लक्चुएट करेगी एंड हमें पता होगा कि बुलिश कैंडल बन रही है, देन हम यहाँ कहीं एंट्री कर सकते हैं, इफ़ आप क्या हैं, रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं जिसको रिस्क लेना कम पसंद है एंड कन्फर्मेशन के बेस पर आप ट्रेड्स लेते हैं। ओके नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बजाज फाइनेंस का तो इसमें आप देखेंगे पियर्सिंग पैटर्न कहाँ बन रहा है, आप खुद ही बता सकते हैं यहाँ पे बन रहा है राइट, यानी एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है, डाउनवर्ड रैली है, एग्जैक्ट नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ कि रियल लाइफ में आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं दिखेगी, जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने फिगर बनाया था जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं ना ये आपको रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए इसका वेट करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा ट्रेड लेने में तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं ट्रेड ले सकते हैं। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बेयरिश कैंडल बनी है एंड के बाद एक बुलिश कैंडल बनी है जो कवर कर रही है प्रीवियस कैंडल को 50 to 100%। ओके तो यहाँ पे करीब 50% से ज़्यादा ही कवर कर रही है, देन हम इसको पियर्सिंग पैटर्न कह सकते हैं, एंड इसके बाद कन्फर्मेशन के लिए नेक्स्ट डे भी एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनी है एंड आप इसके बाद देखेंगे तो एक अच्छा खासा क्या है राइज ही हुआ है प्राइजेस में। ओके तो रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्स ट्रेडर दोनों को ही इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा ओएनजीसी का, ओएनजीसी में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा बेयरिश ट्रेंड है, ये देखिए न्यू लो पे लो बनता जा रहा है प्राइजेस में एंड न्यू लो पे बनते बनते क्या हुआ, एक पियर्सिंग पैटर्न दिखा आपको जो कवर कर रहा है किसको, यानी ये जो बुलिश कैंडल है
ये कवर कर रही है प्रीवियस बियरिश कैंडल को 50 to 100%। ओके, ये 50 to 100% के बीच में ही कहीं कवर कर रही है, 50% यहाँ पे, यानी इससे ज़्यादा ही कवर कर रही है। देन हम इसको पियर्सिंग पैटर्न कह सकते हैं। ओके, एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी रैली आएगी, बट उतनी ज़्यादा रैली नहीं आई जितना डाउनफॉल था, राइट? तो इसमें आप देखेंगे कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज प्राइस जो है आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, एंड प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जाके कहाँ गई, ओपन यहाँ पे हुई, सॉरी ओपन नहीं, गैप अप ओपनिंग हुई होगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जाके प्राइस वापस नीचे आ गई। तो अगर आपने यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा देन तो आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर आपने थोड़े दिन और का वेट किया होगा देन आपको लॉस जो है वो हो सकता है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें के नॉलेज होनी चाहिए, वो हम आने वाले एपिसोड्स में कवर कर देंगे। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड और भी इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको टारगेट बता सकते हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती है टारगेट डिफाइन करने की, एवरी इंडिविजुअल के लिए अलग टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट, तो अब आप देखेंगे कि जैसा मैंने कहा था कि एक डाउनवर्ड रैली होनी चाहिए, यानी एक बियरिश ट्रेंड होना चाहिए इस पर्टिकुलर पैटर्न के पहले। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो इस तरह से कुछ रेंज में चल रही है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा अपवर्ड आया, बट इसके बाद दो बियरिश कैंडल बनी है, जस्ट टू बियरिश कैंडल बनी है, तो इसको हम एक डाउनवर्ड रैली नहीं कह सकते, राइट? प्राइस भले ही डाउन गया है बट फिर भी अगर आप चेक भी करेंगे देन ऑल्सो आप क्या देख सकते हैं, इसमें वो कवर नहीं कर रहा है प्रीवियस कैंडल के, मतलब 50% टू 100% कवर नहीं कर रहा है, राइट? ये सिर्फ अप्रॉक्स 25% तक ही कवर कर रहा है, एंड आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे बट आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में अगर आपके इंडिकेटर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर इंडिकेटर्स में सेल सिग्नल इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल जा रहा है, इंडिकेटर्स में अगर आपको बता रहा है कि बाय करना चाहिए, कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे, तो उसमें अगर बाय सिग्नल दे रहा है एंड ये कैंडल बनी है देन आप एंटर कर सकते हैं, राइट? मूविंग एवरेजेस हो गया और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, राइट? अगर वो दोनों आप कंफर्मेशन लेके एंटर कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल पियर्सिंग पैटर्न के बेस पे एंटर करना चाह रहे हैं देन आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री आपको नहीं लेनी चाहिए, बट फिर भी प्राइस जो है वो ऊपर चली गई है, बट ये इसीलिए गई है बिकॉज अदर इंडिकेटर्स ने क्या दिया होगा, बाय सिग्नल दिया होगा, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जैसा मैंने डार्क क्लाउड कवर के केस में बताया था। बिकॉज मैं आपको हमेशा अच्छी सिचुएशन नहीं बताता हूँ, कभी कभी ऐसे कुछ पैटर्न्स भी बनते हैं जहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का यूज़ लेना पड़ता है, एंड जो कैंडल है ये पियर्सिंग पैटर्न तो नहीं है। ओके, बिकॉज 50% से ज़्यादा कवर नहीं कर रही है बुलिश कैंडल। ओके, तो ये एक बेसिक सी बात है कि ये पियर्सिंग पैटर्न नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ। बाकी प्रॉफिट आपको कैसे कमाना है वो आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर पैटर्न के साथ, तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड ऑल्सो पियर्सिंग पैटर्न भी आप ओनली आइसोलेशन में यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, इंडिकेटर्स या फिर और भी कई सारी चीज़ें होती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशन ले सकते हैं। ओके, कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आप कन्फर्मेशन ले सकते हैं।